हेलो व्यूअर्स, आज समाचारों के विभिन्न माध्यमों की विशेषताएं, ये चैप्टर आज हम कर रहे हैं। इसका पहला प्रश्न जो है सीबीएसई में ज़्यादातर ये आता है क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन है समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की विशिष्टता क्या है। इसको घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं, मुद्रित माध्यमों की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इस तरह से भी ये प्रश्न घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर मैं आपको बोल करके बता रही हूँ। मुद्रण माध्यमों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है इनमें स्थायित्व होता है। जब कोई चीज़ छपती है, समाचार पत्र, मुद्रण किसको कहते हैं, जब समाचार पत्र छापा जाता है तो उसकी जो मशीनें होती हैं उनमें एक स्थायित्व होता है। दूसरी इसकी विशेषता है इन्हें धीरे धीरे सुविधा के अनुसार पढ़ा जा सकता है। यानी कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर को आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर आप टीवी पर न्यूज़ देखेंगे तो आप सुविधा अनुसार नहीं देख सकते, आपको उसी वक्त वह न्यूज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन जो मुद्रित माध्यम होते हैं यानी छपी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, इसको आप धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। एक ही समाचार को अनेक बार आप पढ़ सकते हैं, आपको क्रम की ज़रूरत नहीं होती। ये आवश्यक नहीं है कि पहले आपको जो खबर पढ़नी है वही पढ़ें, आपका मन हो वो खबर आप पढ़ सकते हैं या कहीं से भी आपको न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तीसरी चौथी इसकी विशेषता ये है कि इसे सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं, न्यूज़पेपर को उठा करके आप संभाल करके रख सकते हैं, जब भी आपको किसी संदर्भ की ज़रूरत है तो आप उस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि इसकी भाषा अनुशासित और शुद्ध होती है। भाषा बहुत ही अनुशासित होती है और शुद्ध होती है। शुद्ध हिंदी, हिंदी में है तो शुद्ध हिंदी होती है, अन्य भाषा में है तो अन्य भाषा में शुद्धता पाई जाती है। एक और इसकी विशेषता होती है, इसमें गूढ़ गंभीर विचार या विषय का भी समावेश हो सकता है। यानी कोई गंभीर विचार के विषय में भी इसमें लिखा हुआ हो सकता है। ये सारी समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की विशेषताएं हैं जो एक अच्छे समाचार पत्र में पाई जाती हैं। कुछ विशेषताएं सामान्य हैं जो सभी में पाई जाती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जैसे गूढ़ विचार सब में नहीं होते, किसी किसी में होते हैं। यही प्रश्न, इसी जो भी प्रश्न बताया कि समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की विशेषता क्या है, ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है। इसमें प्रिंट माध्यम की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रिंट माध्यम यानी मुद्रण माध्यम, मुद्रण माध्यम यानी जैसे छपा हुआ होता है, कुछ टंकित होता है, जैसे अखबार होते हैं हमारे, उदाहरण के लिए तो बुक्स हैं, उदाहरण जो अपनी ये पीरियडिकल्स हैं या समाचार पत्र हैं, वो सब मुद्रण के माध्यम होते हैं, प्रिंट माध्यम कहते हैं इन्हें। तो इनका मैंने आपको विशेषताएँ बता दी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होती है तो आप क्वेश्चन खुद से भी लिख सकते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि इसे याद किया जाए। दूसरा इसका प्रश्न, न्यूज़पेपर की मुख्य कमजोरी क्या है, क्वेश्चन बनता है कि समाचार पत्र या मुद्रण माध्यम की कमजोरी क्या है। ये प्रश्न जो है, देखिए इसमें एक सामान्य सी या फिर इसे असामान्य कमजोरी भी कह सकते हैं। समाचार पत्र या मुद्रण माध्यम पठन पाठन से संबंधित होता है, और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो यह उसके लिए बेकार माध्यम है। अगर कोई निरक्षर है तो इसके लिए इसका कोई प्रयोग नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ी समाचार पत्र या मुद्रण माध्यम की कमजोरी है। अन्य माध्यम जो हैं समाचारों के, उसमें निरक्षर लोग भी न्यूज़ देख सकते हैं। अब देखिए जैसे टीवी है, तो टीवी में पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ से भी, वो भी समाचार का माध्यम है तो आप समाचार देख सकते हैं। लेकिन पत्र वही पढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा है, तो पत्र की क्या कमजोरी हो गई कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इसको पढ़ सकते हैं, निरक्षर लोगों के लिए इसमें कोई उपयोगिता नहीं पाई जाती है। तीसरा प्रश्न आ जाता है, समाचार पत्र में छपे हुए समाचार की डेडलाइन क्या होती है, इससे क्या आशय है, या इसको दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं कि डेडलाइन क्या है। कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। उदाहरणतया प्रायः समाचार पत्र हर 24 घंटे के बाद छपते हैं, अतः पिछले 24 घंटे की खबरें ही छपने योग्य होती हैं।
उससे पूर्व की सूचनाएं उसके लिए कैसी हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। इसलिए अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचते हैं, ये प्रश्न भी आ जाता है। इसका उत्तर है, रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार शब्द और आवाज़ के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। प्रश्न आ जाता है, रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचारों की और मुद्रण माध्यम की तुलना कीजिए, यानी कि न्यूज़पेपर के और रेडियो के बीच में तुलना करनी है। तो सबसे पहले मैं मुद्रित समाचार यानी समाचार पत्र की विशेषताएं बता रही हूँ। समाचार पत्र स्थायी होता है, सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इसमें क्रमिकता की आवश्यकता नहीं होती, यानी क्रम से पढ़ें ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए पढ़ना आना ज़रूरी होता है। इसमें व्याकरण और वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और इसका माध्यम शब्द है। रेडियो प्रसारण जो है उसकी विशेषताएं हैं, यह सुनते ही विलीन हो जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है, यह एक क्रम में ही सुना जा सकता है। तीसरी विशेषता है, यह सुनने से ही समझ में आ जाता है, पढ़ाई की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। चौथी इसमें विशेषता है कि इसमें सुने जाने की स्पष्टता ही पर्याप्त है। पाँचवीं इसकी विशेषता है, इसका माध्यम शब्द और आवाज़ दोनों होती हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के तीन प्रमुख भाग कौन से होते हैं? इसका उत्तर है, रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के तीन प्रमुख भाग निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है इंट्रो यानी मुखड़ा, इसे लीड भी कहते हैं। दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है समापन। प्रश्न है, रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता होती है? उत्तर लिखेंगे, रेडियो समाचार की कॉपी साफ सुथरी और टंकित यानी टाइप्ड होनी चाहिए, ताकि समाचार वाचक जब उसे पढ़े तो उसे पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। इसमें किसी भी संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उच्चारण की दृष्टि से कठिन शब्द का इसमें आना ठीक नहीं है, यानी कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम हो। 5 अंकों से अधिक कोई संख्या है तो उसे शब्दों में लिखा जाए, ताकि वाचन करने वाले को कोई परेशानी ना हो। ये कॉपी में विशेषताएं होना आवश्यक है। रेडियो समाचार की भाषा की दो विशेषताएं क्या हैं? इसमें रेडियो समाचार की भाषा में व्याकरण शुद्धि की बजाय उच्चारण और श्रवण की शुद्धि पर बल होता है। उसमें समाचार के क्रम पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। टेलीविज़न पर प्रसारित समाचारों की विशेषता इस प्रकार है, टेलीविज़न पर प्रसारित समाचारों में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का मेल होता है। इसे निश्चित समय पर निश्चित क्रम से ही सुनना पड़ता है, ये इसकी विशेषता होती है टेलीविज़न वालों की। प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित समाचारों के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। इसमें सबसे पहला प्रकार होता है, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इसी वीडियो में, आपको लास्ट तक देखिए, ये वीडियो अंत तक देखिए। पहला होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा होता है ड्राई एंकर, तीसरा होता है फ़ोन इन, चौथा होता है एंकर विजुअल, बाद में आता है एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। इन सबके अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है? इसके अंतर्गत कोई भी बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुँचा दी जाती है, जैसे भारत 66 रन से जीता या बेंजीर की बम धमाके में मृत्यु। इस प्रकार की जो खबरें होती हैं तत्काल कुछ ही शब्दों में तुरंत जो दर्शकों तक पहुंचाई जाती हैं, उन्हें ब्रेकिंग या फ्लैश न्यूज़ कहते हैं। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न आता है, ड्राई एंकर क्या है? ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को शब्दों के द्वारा बताता है, यानी बोलकर बताता है से हुआ। यह दृश्यों के उपलब्ध होने से पहले की स्थिति होती है, यानी जब तक आपके पास दृश्य पहुंचे नहीं हैं उससे पहले आप किसी भी खबर का जब ब्यौरा दे रहे हैं तो यह ड्राई एंकर कहा जाता है। इसी से संबंधित नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फ़ोन इन क्या है?
फ़ोन इन जो होता है, इस स्थिति में एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। रिपोर्टर घटनास्थल पर उपस्थित होता है और वहां से ताज़ा सूचनाएं भेजता रहता है। ये होता है फ़ोन इन। नेक्स्ट इसमें प्रश्न आ जाता है, एंकर विजुअल किसे कहते हैं? किसी घटना के दृश्य उपलब्ध हो जाने के बाद जब समाचार लिखा जाता है और एंकर उसे पढ़ता है तो वह एंकर विजुअल होता है। इस समाचार का आरंभ सूचना से होता है, बाद में समाचारों के साथ साथ उस घटना से संबंधित दृश्य भी दिखाए जाते हैं। प्रश्न है, एंकर बाइट से क्या आशय है? बाइट का अर्थ है कथन। जब एंकर सूचना के साथ किसी प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति का कथन या उससे बातचीत करते हुए दिखाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। इससे समाचारों की प्रामाणिकता बढ़ती है। प्रश्न आता है, लाइव से क्या आशय है? जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटनास्थल से प्रसारण किया जाता है तो उसे लाइव समाचार कहते हैं। यानी सीधा घटनास्थल से जो प्रसारण है उसे लाइव समाचार कहते हैं। प्रश्न है, एंकर पैकेज से क्या आशय है? उत्तर है, एंकर पैकेज में टीवी पत्रकारिता के सभी आयाम और गुण मौजूद होते हैं। इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं, संबंधित घटना के दृश्य, एंकर बाइट, ग्राफिक, सभी जो विधाएँ हैं उनके द्वारा सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से दिखाया जाता है। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। प्रश्न कौन से आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं, मुद्रित माध्यम की विशेषताएं बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं है। दूसरा प्रश्न आ जाता है, मुद्रित माध्यम को स्थायी माध्यम क्यों कहा जाता है? तीसरा है, किन्हीं दो हिंदी समाचार चैनलों के नाम लिखिए। चौथा है, पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा किसे कहते हैं? मुखड़ा यहाँ पर इंट्रो होता है, आपको मैंने इसमें बता भी दिया है। मुद्रित माध्यमों की किसी एक विशेषता का उल्लेख कीजिए, ये मैंने पूर्व में आपको बता दिया है।